उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के दिल में आज बवाल मचा हुआ है। आखिर क्यों? जो बच्चे आंदोलनरत है, जिनको जेल में डाला है, वो उत्तराखंड राज्य के बच्चे। हाँ, बदला लेना है त्रिवेंद्र सिंह रावत से पुष्कर धामी तक, बदला लेना चाहते हैं बॉबी पवार से, क्योंकि बॉबी पवार ने सारे बेरोजगारों को एक कर दिया है। मगर मैं बताना चाहती हूँ कि जब तक इस राज्य में बॉबी पवार जैसे युवा हैं, तब तक आवाज़ नहीं दबाई जाएगी। और हम खड़े हैं इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए, इनकी शक्ति को और बल प्रदान करने के लिए। ये लड़ाई केवल युवाओं की नहीं, ये लड़ाई उन माताओं की भी है जिनके बलिदानों से ये राज्य बना। और मैं बता दूं पुष्कर धामी जी, आपको कर लो कोशिश जितनी, छोड़ दो पुलिस जितनी, डीजीपी महोदय कर लो लाठी चार्ज, मगर नहीं तोड़ पाओगे मोराल, नहीं तोड़ पाओगे हौसला हमारे युवा का। आज सितारगंज के जाइडस वेलनेस में जो तालाबंदी हुई है, वहां पर 240 दिन से जो लोग आंदोलनरत हैं, वो आंदोलनकारी आज अपने आंदोलन को समर्पित करते हैं बॉबी पवार के संघर्ष को और बॉबी पवार के साथियों के लिए। बॉबी पवार की रिहाई की मांग करते हैं। पुष्कर सिंह धामी, इस्तीफा दो, बॉबी पवार को रिहा करो, बॉबी पवार के साथियों को रिहा करो, और बॉबी पवार और उसके साथियों पर जो केसेस किए हैं आपने, जो मुकदमे किए हैं, उनको वापस लो। कानून लेके आए हो, विधानसभा का सत्र बुलाओ, कानून बनाओ। अध्यादेश डैमेज कंट्रोल करने के लिए नहीं चाहिए। डीजीपी को हटाओ। कब हटाओगे डीजीपी को? और अब तो एक नई मांग है हमारी जो जुड़ गई है पिछली कई मांगों में, और वो है कि आखिर कल बच्चे इम्तिहान देंगे कैसे, कहाँ से पहुंचेंगे पिथौरागढ़। हर जगह से आपने रोका है, 144 लगाया है, शर्म नहीं आती मुख्यमंत्री आपको? और आज मैं जो ये संदेश लाई हूँ, ये सितारगंज के सिडकुल के जाइडस वेलनेस के वो कर्मी हैं जो पिछले 240 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, और आज वो समर्थन दे रहे हैं बेरोजगार संघ को, और उन्हें बता रहे हैं कि आप अकेले नहीं है। बॉबी पवार, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। हर बाशिंदा उत्तराखंड का जो सोचता है उत्तराखंड के लिए, बॉबी पवार, वो तुम्हारे साथ है इस संघर्ष में, तुम अकेले नहीं। हाँ, वो जो सैलाब उमड़ा है, वो केवल और केवल उसी शक्ति का प्रतीक है जो निकल के आई है बॉबी पवार से, और बॉबी पवार के साथ खड़े हैं हम सारे। देखिए ये वीडियोस और देखिए कि क्या हुआ वहां, जब सितारगंज में उस धरने को करते हुए उन्होंने बॉबी पवार और उसके सारे साथियों को अपना समर्थन दिया। हार गए भाजपाइयों, हार गए मुख्यमंत्री, युवा शक्ति ने हरा दिया। वोटों से जीत जाओ, सत्ता में आ जाओ, मगर अगर जनता हरा दे, तो जनता के मन में अगर जगह ना बना पाओ, तो हारे हुए हो। हारे हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाया था प्रधानमंत्री ने, और अब इतनी बड़ी हार हो रही है कि देखो पूरे उत्तराखंड में हर नौजवान खिलाफ खड़ा है आपके। ये तस्वीर आज मैं आपको दिखा रही हूँ सितारगंज से, ऐसी ही कई तस्वीरें दिखाने वाली हूँ मुख्यमंत्री जी, इंतज़ार करो। मैंने पहले भी कहा था, तैयारी जारी है, हम रुकने वाले नहीं हैं। जब तक बॉबी पवार को रिहा नहीं करोगे, उसके साथियों को रिहा नहीं करोगे, उनके ऊपर किए मुकदमे वापस नहीं लोगे, उन बच्चों को जिनको बाहरी वाला बता रहे हो, उनसे माफ़ी नहीं मांगोगे, उन बच्चों का पता नहीं बताओगे जिनकी वीडियोस वायरल है, और आपकी पुलिस फोर्स माफ़ी नहीं मांगेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जिन्होंने लड़कियों के साथ करी है बदतमीजी। एक ही गाड़ी में लड़की और लड़कों को ठूसा है आदमियों ने, मेल पुलिस ऑफिसर्स ने। कहाँ गई आपकी महिला पुलिस वाली? चोट लगी है, बड़ी तकलीफ हो रही है। SDM आकर कह रही है 144 पूरे जनपद में लगी है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आपकी SP सरिता डोभाल जी ने भी ये बात कही है, ऑन कैमरा कही है, वो भी दिखा देती हूँ। पहले वो देख लीजिए, फिर सितारगंज की तस्वीरें देख लीजिएगा।
बस ये समझ लीजिएगा कि पूरा उत्तराखंड है तैयार बॉबी पवार और उसके साथियों को रिहा करे मुख्यमंत्री और उसके बाद इस्तीफा दो और अपने घर जाओ, घर जाकर भैंस चराओ पुष्कर धामी, भैंस चराओ। एक मिनट इधर चलो भाई, चलो निकले यहाँ से। 144 लगी हुई है, 144 इस एरिया में भी लगी, सारे पूरे जनपद में लगी हुई है, देहरादून में बिल्कुल जैसा हमने पढ़ा था, सब जगह लगी हुई है। चले जाओ बेटा, चलो भाई जाओ, हमें फिर कोई यहाँ मत, चलो तुम लोग क्यों ऐसे किसी को भी आने मत दिया, 144 लगी हुई है, चलो आप ही चलो। अरे बाद में कर लेंगे, कर रहे हैं ये कौन लोग हैं? इकट्ठा नहीं हो रहे भाई, ये देखो ये वही इकट्ठा नहीं हो रहे हैं, कहाँ कहाँ 144 हमें पूरे शहर पूरे घर में, पूरे घर में हम लोग कहीं पे भी नहीं जा सकते, चलिए चलिए कोई नहीं, चलिए 144 हम भी भाई आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हाँ कोई नहीं, मैं अपनी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। ये मेरे साथ आज सिडकुल सितारगंज जाइडस वेलनेस के कंपनी में जो तालाबंदी हुई है और कर्मचारी वहां बाहर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और अपना समर्थन बॉबी पवार और सारे बेरोजगार संघ को उनके आंदोलन के लिए दिया है। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बॉबी पवार जिंदाबाद, 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 बॉबी पवार जिंदाबाद, 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 युवाओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ग्रामीण सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बॉबी पवार जिंदाबाद, 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 बॉबी पवार जिंदाबाद, 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 बॉबी पवार जिंदाबाद, 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 बॉबी पवार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बॉबी पवार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, ग्रामीण सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, ग्रामीण सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, युवाओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, उत्तराखंड सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, उत्तराखंड सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, ग्रामीण सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, ग्रामीण सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय, बॉबी पवार जिंदाबाद, 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 बॉबी पवार जिंदाबाद, 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 बॉबी पवार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बॉबी पवार तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पेपर की सीबीआई जांच हो, जांच हो, जांच हो, सीबीआई जांच हो, जांच हो, जांच हो, उत्तराखंड सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, ग्रामीण सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा, बॉबी पवार जिंदाबाद, 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 दो जी हाँ, पत्रकार भी हुए हैरान। तो फिर नारेबाजी कर रहे हैं, इधर आ जाओ, जैसे अभी तक आज तक हम आज से पहले अपने लिए यहाँ पे लड़ रहे थे, पर जैसा कल सभी को पता है देहरादून में जो घटना हुई, तो उसमें सरकार का यही है कि सरकार उस सीबीआई जांच से क्यों भाग रही है, तो सरकार जब सीबीआई जांच से भाग रही है तो वो यहाँ पे गलत गलत फैला रही है कि जो युवा है वो पत्थर जीव मार रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं, अराजकता फैला रहे हैं, क्योंकि सरकार जो अपनी कार्य है, जो कार्यशीलता सरकार को करनी थी, उसमें सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है, हमारी सरकार उसमें पूरी तरीके से फेल हो गए, तो वो उन युवाओं को उनको दर्द नहीं दिख रहा है, तो उसकी क्योंकि तो उन्हें पता है युवाओं जो मांग उठा रहे हैं वो गलत मांग नहीं है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिस बंदे ने मेहनत करी है अपनी तैयारी पर लगे रहता है और बाद में उसे सुनने में आता है कि उसका पेपर लीक हो गया है, तो अपनी तैयारी कर रहा था, तो सरकार
जो उनकी मांग है, जो एक जायज मांग है उनकी, कि सीबीआई जांच हो, उसके बाद पेपर हो। अगर तुम कल को पेपर फिर कर दो, फिर तुम्हारे पेपर लीक हो जाता है, तो तुम क्या कदम उठा रहे हो? तो सरकार जो अपनी जो सरकार की जो इस समय जो गलतियां दिख रही है, जो धामी सरकार की गलतियां दिख रही है, उनको छुपाने के लिए वो इस तरीके का वहाँ माहौल बना रही है। और जो उन्होंने अभी तक बॉबी पवार जो भी गिरफ्तार किए हैं, जो युवा अभी तक गिरफ्तार किए हैं, उन सभी को रिहा करा जाए, और जब तक ये इसकी सीबीआई जांच ना हो तब तक ये पेपर ना हो। चलिए, तो ये इन लोगों की मांग है कि सीबीआई जांच जब तक नहीं होगी तब तक पेपर भी नहीं होना चाहिए। नहीं, इनकी मांगे जो हैं, अब आप ही हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या ये जायज मांगे हैं। इनका ये कहना है पहले सीबीआई जांच हो, उसके बाद एग्ज़ाम। अभी क्या हो रहा है, एग्ज़ाम हो जा रहा है, दूसरे दिन पता चल रहा है एग्ज़ाम हो जा रहा है, दूसरे दिन पता चल रहा पेपर लीक हो। दूर दूर से छात्र आते हैं, किसी का सेंटर यहाँ से रुद्रपुर पढ़ रहा है तो किसी का पढ़ रहा देहरादून, तो इतनी दूर का सफ़र करने के बाद छात्र वहाँ पहुँचते हैं, सारे पैसे खर्च करने के बाद अगले दिन जब पेपर में बैठते हैं, पेपर से घर पहुँचते हैं, तो न्यूज़ में दिखता है कि जिस भर्ती के लिए वो लोग एग्ज़ाम देने गए थे वो पेपर ही लीक हो गया है। अब दोबारा से 12 तारीख को पटवारी का जो पेपर है वो होने जा रहा है। अच्छी बात यह है कि धामी सरकार की तरफ से कहा गया कि जो छात्रों ने एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म भरा था उसके कोई चार्जेस नहीं जाएंगे, वही फॉर्म रहेगा। 12 तारीख की डेट आ गई, रोडवेज का किराया 4-5 दिन तक फ्री कर दिया गया है, ये छात्रों के लिए थोड़ी सहूलियत है। लेकिन जिस तरह की घटना देहरादून के अंदर देखने को मिली, घंटा घर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से जो लाठीचार्ज किया गया, दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि पथराव किया गया, तो दोनों ही पक्षों की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं वो काफ़ी गलत तरह से इसमें माहौल क्रिएट जो है दिख किया जा रहा है, और जनता को जो दिख रहा है तो वो जाहिर सी बात है कि माहौल कहीं ना कहीं ख़राब कर दिया गया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इन्होंने आज अपनी कोई बात नहीं कही है, जैसे कि 240 दिन से धरने पर बैठे, इन्होंने आज अपनी कोई बात नहीं कही। इन्होंने सारी बातें जो की हैं वो आंदोलनरत जो छात्र हैं, जो बेरोजगार हैं, उत्तराखंड सरकार हाय 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 हाय, उत्तराखंड सरकार हाय 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 हाय, तामे तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, तामे तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, बॉबी पवार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।